नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए रोमांचक मैच के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी सनराइजर्स हैदराबाद की इस आईपीएल में पहली जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम इस मैच की पूरी हाईलाइट बताएंगे, कैसे हैदराबाद ने पंजाब से टॉस हारकर भी मैच में जीत हासिल की बताएंगे पूरी डिटेल से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आईपीएल का 14वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में पंजाब किंग्स के कप्तान के राहुल ने टॉस जीता और इस धीमे पिच पर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन राहुल का यह फैसला पूरी तरह गलत साबित कर दिया उनके बल्लेबाजों ने। जी हाँ दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने आई पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही और 15 रन पर ही पंजाब का पहला झटका लग गया, जब कप्तान केएल राहुल को भुवनेश्वर कुमार ने केदार जाधव के हाथों कैच आउट करवा के पवेलियन भेज दिया। राहुल सिर्फ 4 रन ही बना पाए। राहुल के बाद मयंक अग्रवाल और क्रिस गेल ने काफी संभल कर खेलते हुए पंजाब की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये धीमी पारी भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सकी। 25 गेंदों में 22 रन बनाकर खेल रहे मयंक अग्रवाल को खलील अहमद ने राशिद खान के हाथों कैच आउट करवा के उन्हें भी पवेलियन भेज दिया और 39 रन पर पंजाब को दूसरा झटका लग गया। दोस्तों, इस झटके से पंजाब उबर पाती कि बल्लेबाजी करने आए निकोलस पुरन बिना खाता खोले ही रन आउट हो गए, जिसके वजह से 39 रन पर ही पंजाब को तीसरा झटका लग गया। दोस्तों, पंजाब ने लगातार अंतराल पर विकेट खोते चले गए। हैदराबाद के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पंजाब के बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दे रहे थे, जिसके वजह से दबाव आते गया। पंजाब की टीम अपने खाते में 8 रन ही जोड़ पाई थी कि अब तक संभल कर खेल रहे क्रिस गेल भी 17 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। गेल को राशिद खान ने LBW आउट किया। गेल के आउट होने के साथ ही पंजाब ने 47 रन पर अपना 4वां विकेट खो दिया। दोस्तों, गेल के आउट होने के बाद भी पंजाब की टीम संभल नहीं पाई। हैदराबाद ने इस मैच को पूरी तरह से अपना पकड़ बना लिया था। फॉर्म में चल रहे दीपक हुड्डा भी आज पंजाब को संभाल नहीं पाए और 11 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए और इस तरह सिर्फ 86 रन पर ही पंजाब की टीम ने अपने 6 विकेट खो दी। टॉस जीतकर पंजाब का यह बेहद खराब शुरुआत रही। आज कोई भी बल्लेबाज हैदराबाद की कहर बरपाती गेंदों के आगे टिक नहीं पाया, जिसके वजह से पंजाब किंग्स 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और पूरी टीम 7 गेंद पहले ही आउट हो गई। अंत में शाहरुख खान ने जरूर 17 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसकी वजह से टीम 19 ओवर में 120 रन बनाने में कामयाब हो गई। हैदराबाद की तरफ से खलील अहमद ने सबसे सफल गेंदबाज रहे, उन्होंने 20 रन देकर 3 विकेट लिए, तो वहीं अभिषेक शर्मा को 2 विकेट मिले। दोस्तों, 121 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद को उसके दोनों ओपनर ने डेविड वार्नर और जॉनी ब्रेस्टो ने शानदार शुरुआत दिलाई। इस धीमा पिच पर भी इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की। इस पिच पर पंजाब के बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरस रहे थे, तो गेंदबाज भी संघर्ष कर रहे थे और इस ओपनिंग साझेदारी को जल्दी तोड़ नहीं पाए, जिसके वजह से पहले 6 ओवर में ही पंजाब इस मैच से बाहर हो गई। डेविड वार्नर और जॉनी ब्रेस्टो ने हैदराबाद को शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 73 रनों की साझेदारी की और पंजाब का पहला विकेट लेने के लिए 10 ओवर लग गए। डेविड वार्नर 37 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इससे हैदराबाद को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब जीत के लिए सिर्फ 48 रनों की जरूरत थी। पंजाब ने विकेट लेने में काफी देर कर दी। अगर इस ओपनिंग साझेदारी को जल्दी तोड़ने में कामयाब हो जाती तो उसके जीत के चांस बन सकते थे, लेकिन तारीफ करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों की, जिन्होंने इस खराब पिच पर भी शानदार बल्लेबाजी की, जिसके वजह से हैदराबाद को इस सीजन IPL में पहली जीत नसीब हुई।